हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना व्लॉग में। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। और दोस्तों, हमारे देश के आयुष मंत्रालय ने भी बताया है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए और काढ़ा, घर पर जो बना काढ़ा होता है उसको पीना चाहिए। उससे हमारी हेल्थ की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और मजबूत होगी। तो ये जो रेसिपी है आप खुद भी पीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पिलाइए। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको कि अपना काढ़ा बनाने के लिए आपकी कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ डालनी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 1 लीटर पानी चाहिए होगा काढ़ा बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लेना है कम से कम 20 से 25 काली मिर्च लेनी है। ये देखिए, 20 से 25 काली मिर्च और कम से कम 20 से 25 ही आपको लौंग लेनी है, और कम से कम 4 से 5 आपको बड़ी इलायची और कम से कम 2 से 3 छोटी इलायची और 1.5 से 1 चम्मच आपको ये सेंधा नमक लेना है। और ये है अपना गिलोय। गिलोय की कम से कम इतनी बड़ी गांठ है, ये आप देख सकते हो, इतनी बड़ी गांठ है। कम से कम आपको 15 से 20 गांठें लेनी है। और आपको अदरक इसमें 2 गांठ, इतनी बड़ी बड़ी 2 गांठें लेनी है। और नींबू, 2 नींबू लेने हैं, इतने बड़े साइज के आप देख सकते हो, 2 नींबू लेने हैं। और ये है अपना तुलसी ड्रॉप। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप कम से कम 20 से 25 तुलसी के पत्तियां ले सकते हैं, और नहीं है तो आप इस ड्रॉप का भी यूज कर सकते हैं। कम से कम 20 से 25 ड्रॉप इसको भी डाल सकते हैं। ये मैक्सीरिस कंपनी की है, आप चाहें कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको डाल सकते हैं। और आपके पास अगर गिलोय नहीं है तो आप ये दिव्य गिलोय इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको 1 लीटर पानी लेना है, और 1 लीटर पानी को आपको कम से कम आधे घंटे उबालना है। जो सारा जो भी मैंने बताया हुआ है उन सबको आपको पीस कर इसको कम से कम आधे घंटे उबालना है, और उसके बाद आपको ये छान कर पीना है।